मैं सीए विनय कुमार, डायरेक्टर सुकृष्णा कॉमर्स एकेडमी। सबसे पहले तो आपके व्यूवर को मैं नमस्कार करता हूँ, है ना। और मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज का जो फंक्शन है हमारा, ये प्रतिभा सम्मान समारोह है, जो कि हर साल हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। बिहार बोर्ड के बच्चे हों या CBSE के बच्चे हों, 10th और 12th बोर्ड में जो अच्छे करते हैं, 80% 90% मार्क्स से जो क्वालिफाई करते हैं, उनको संस्था के तरफ से प्रोत्साहन के लिए एक सम्मान समारोह हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उसी सिलसिले में आज भी हम लोग एक प्रतिभा सम्मान समारोह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं जो 90% नंबर लेकर के आए हैं, वैसे लगभग 20 से 25 बच्चे हैं जो 90% बच्चे पास लेकर के आए हैं, मार्क्स लेकर के आए हैं, और कम से कम 60-70 बच्चे ऐसे हैं जो 80% मार्क्स से क्वालिफाई किए हैं, उनको आज हम लोग सम्मानित करने जा रहे हैं। सर, आपकी संस्था, आपकी कोचिंग कितने दिनों से रन कर रही है? हमारी संस्था जो लगभग 15 सालों से चल रही है, और कॉमर्स के क्षेत्र में पटना बिहार में हम लोग एक पायनियर संस्थान के नाम से जाने जाते हैं, जहाँ पे कि लगभग 2 से 2500 बच्चे हर साल यहाँ अपने मकसद के लिए आते हैं। तरह तरह के कोर्सेस जैसे 11th 12th, CA, CS, CMA, BCom की तैयारी करते हैं, और उसको अपने उनके जो लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचाने में हम अपनी टीम के साथ उनको मदद करते हैं। आपके कोचिंग में कितने स्टूडेंट का एडमिशन है अभी? अब वैसे तो नंबर हम लोग आपको शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, स्टूडेंट जो है, हमने आपको बताया कि सालाना लगभग 2000 बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट से पास आउट होकर के निकलते हैं। तो यहाँ से मतलब क्या रेशियो है आपके बच्चे का, कितना रेंज में पास कर पाते हैं? ये अलग अलग तरह के जो कोर्सेस होते हैं, अब मान लीजिए कि आप एग्जांपल के तौर पे लीजिएगा CA कोर्स में, तो ऑल ओवर इंडिया में 30% रिजल्ट होता है, लेकिन हमारे यहाँ लगभग 40% का रिजल्ट जाता है। अब मान लीजिए आप एग्जांपल लेंगे आप बोर्ड के एग्जामिनेशन, तो बोर्ड के एग्जामिनेशन में जहाँ पे लोग 85% 80% लोग पास आउट होते हैं, हमारे यहाँ से लगभग 95% बच्चे 98% बच्चे से ज़्यादा का यहाँ रिजल्ट होता है, ठीक है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि जो पूरे राज्य का एवरेज है, उससे कहीं ऊपर हम लोग अच्छे रिजल्ट देते हैं। और कॉमर्स के क्षेत्र में गार्जियन का भी और विद्यार्थियों का भी भरोसा है हमारा 15 सालों से हमारे संस्थान पे, और हमें ये मौका मिला है कि लगभग 27,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों को हम उनके मकसद में कामयाब बनाने में लोग हमें चुने हैं, हमें मौका दिया है, तो ये हमारे लिए खुश है। वैसे छात्र जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए आपकी संस्था की तरफ से कुछ ऐसा प्रावधान है जो एडमिशन ले ले? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग स्कॉलरशिप का प्रोविज़न लेकर के चलते हैं। जो बच्चे सक्षम नहीं होते हैं और मेरिटोरियस होते हैं, उन सारे बच्चों को स्कॉलरशिप के तहत फीस में काफ़ी डिस्काउंट दिया जाता है। ये बात सत्य है कि हमारा संस्था प्राइवेट संस्था है, कोई सरकारी मदद से संस्था नहीं चलती है, तो उन गार्जियनों से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि संस्था को अपने स्तर पे जितना आप मदद कर सकते हैं फाइनेंशियली मदद करें, और हम भी वैसे गार्जियन वैसे बच्चे जो फाइनेंशियल रूप से वीक होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट करके हम लोग संस्था में उनको जोड़ते हैं और उनसे अच्छे रिजल्ट्स की अपेक्षा करते हैं। वैसे छात्र जो इस वर्ष पास आउट हुए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे उनको? मैं तो यही मैसेज दूंगा अपने संस्थान के तरफ से कि इसी तरह से आगे भी बढ़ते रहें, और अगर कुछ कमियाँ रह गई हैं उनके रिजल्ट्स में, जैसे उनको लगता है 5-10% मेरा नंबर कम आया है, तो आगे आने वाले भविष्य में जितने भी एग्जामिनेशन में हैं उनमें वो सुधार करें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके अपना जो है एकेडमिक करियर सुधारें, और अगर किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो अपने कॉम्पिटिशन में कामयाब हो, इस तरह से लक्ष्य से पढ़ाई करें, मैं इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। आज आपके संस्था के द्वारा सफल छात्रों को सम्मानित किया जा रहा है, कुल कितने छात्रों को सम्मानित कर रहे हैं? ऐसे हम लोग 100 छात्र हैं जो 80% और 90% से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आए हैं, आज के दिन में हम उनको सम्मानित करने जा रहे हैं, जो एक्सक्लूसिवली बिहार बोर्ड के बच्चे हैं 12th क्लास का, जिनका अभी रिजल्ट। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्ज्वल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।